तो भाई अब होने वाला है इसका असली टेस्ट। पानी आ चुका है कंपार्टमेंट में, चलिए डालकर देखते हैं पास होगा या फिर फेल। असली टेस्ट अब होगा। Hey guys, मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए कंपार्टमेंट वाले टिफिन बॉक्सेस जो कि है अंडर 300 रुपीज में। तो यार काफी कमाल के टिफिन बॉक्सेस है। कैन यू इमेजिन कि एक कंपार्टमेंट वाला टिफिन बॉक्स है 300 रुपए में मात्र। तो चलिए फटाफट से इन दोनों को कर लेते हैं अनबॉक्स। ये टिफिन बॉक्सेस है इन्फिनिटी बॉक्स स्टोर की तरफ से। एक हमारे पास नॉर्मल टिफिन बॉक्स है और एक है कंपार्टमेंट वाला टिफिन बॉक्स जो कि रियली में यार काफी लाइट वेट है। चलो फटाफट से इसे अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हो हमारा टिफिन बॉक्स निकल गया है। काफी सही पैकेजिंग थी यार। और ये टिफिन बॉक्स यार कितना हल्का है। मतलब मैंने जनरली जितने भी कंपार्टमेंट बॉक्सेस अनबॉक्स किए हैं वो काफी भारी रहते हैं, बट ये काफी लाइट वेट है। और सबसे कमाल की है इसकी प्राइसिंग। तो ये निकल चुके हैं हमारे दोनों टिफिन बॉक्सेस जो कि यार काफी प्रिटी कलर में है। ब्लू एंड ब्लैक कलर में है ये आपका कंपार्टमेंट वाला, और ये आपका देख सकते हो कुछ ऐसा है। चलिए पहले तो कंपार्टमेंट वाला आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको सामने में देखने को मिलती है इन्फिनिटी बॉक्स की ब्रांडिंग। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा है ये कंपार्टमेंट। इसमें आपको 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं और एक ये लंबा सा कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है। और यार वेट की तो वाकई मैंने आपको भरभर बताया है कि काफी लाइट वेट है। ब्लैक एंड ब्लू डार्क कलर में देखकर आप ये मत सोचना कि ये आपको कुछ हार्मफुल केमिकल से बना हो। जी नहीं, ये बिल्कुल BPA फ्री है। ये आपके हेल्थ को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाएगा। अब नेक्स्ट इसको ओपन कर लेते हैं, छोटू सा टिफिन। और इसके अंदर भी हमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है जिसमें कि आप सब्जी वगैरह जो भी है कैरी कर सकते हो। तो काफी क्यूट सा ये, और ये लॉक एंड लॉक है। आपको जो भी खाना वगैरह आप लेके जाते हो ये स्पिल नहीं करेगा। ये देखो इसमें रबर वगैरह भी काफी अच्छे से दिए हुए हैं। ये तो हो गई इसकी बात। अगर मैं इसकी बात भी करूं तो ये भी यार आपका लॉक एंड लॉक ही है। इसका भी हम लोग लीकेज टेस्ट करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका माइक्रोवेव सेफ है, डिशवॉशर सेफ है। काफी ज्यादा लाइटवेट होने की वजह से आप आराम से इसको कहीं भी ऑफिस ले जा सकते हो, बच्चे स्कूल लेकर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इसकी ड्यूरेबिलिटी। अगर ये गिरता विरता भी है तो यार टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा ड्यूरेबल प्लास्टिक है। और सबसे बड़ी बात कि ये 100% रिसाइकल हो जाने वाले प्लास्टिक है। तो भाई अब होने वाला है इसका असली टेस्ट। पानी आ चुका है कंपार्टमेंट में, चलिए डालकर देखते हैं ये पास होगा या फिर फेल। क्योंकि भाई आपको तो पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे वाले बॉक्सेस में खाना मिक्स हो जाने का आप लोगों को डर रहता है या फिर स्पिल होने का डर रहता है। तो असली टेस्ट अब होगा। एक ये हो गया और एक ये दोनों में मैंने पानी फिल कर दिया है। देखते हैं बाकी सारे कंपार्टमेंट में कहीं पानी तो नहीं आ जाता ना। देखो भाई इसमें पहले से पानी गया है, देखते हैं इन दोनों में नहीं आना चाहिए। मेरे पास खाना नहीं था इसलिए मैं पानी डाल करके चेक कर रही हूँ। पानी को भाई साइड कर लेते हैं ताकि पता चले हमें पानी इधर आया था या नहीं। तो भाई अब डब्बा होने जा रहा है, क्लोज करते हैं इसका टेस्ट। इसको देख सकते हो मैं ऐसे हिला डुला रही हूँ। अब खोल करके देखते हैं इसमें स्पिलेज हुई है या नहीं हुई है। एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कुछ पानी गया है नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दाल सब्जी हम लोग लेकर गए, दाल और सब्जी मिक्स हो गई। तो ऐसा ना हो इसके लिए टेस्ट तो बनता था। पानी इसमें पहले से था, इसमें गया है, इसमें कोई स्पिलेज नहीं है जबकि मैंने काफी हिला डुला। ये पूरा सूखा हुआ है जिसमें कि आपका जो मेन चावल वाला कंपार्टमेंट है इसमें हल्का फुल्का पानी मेरा चला गया था पहले से ही। तो यार देख सकते हो यहाँ पर ये जो एरिया है एक दो बस यही दो भींगा हुआ है, बाकी सारा सूखा सूखा हुआ है। तो काफी अच्छा इसने वर्क किया है। अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें हल्का सा पानी डाल के आपको दिखाते हैं क्योंकि आपका सब्जी कंपार्टमेंट यही है। नो स्पिलेज एट ऑल। कितना भी आप घुमा लो, कुछ भी कर लो, कोई स्पिलेज नहीं होगी। तो ये क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर इसमें खाना ले जाना पसंद करते हैं, और अगर तो आप उन्हें इसमें आप खाना दे सकते हो तो ऐसा लगेगा उन्हें कि यार हम तो अभी भी घर पे खाना खा रहे हैं, चावल दाल सब्जी रोटी जो आप देना चाहो उन्हें आप दे सकते हो। तो दोस्तों काफी कमाल का टिफिन बॉक्स है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो इसका बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजोन से डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हो। और अगर आप मेरा ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। तो जाओ फटाफट से इसे बाय करो क्योंकि यार काफी सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस कर रही है। जाओ फटाफट से बाय करो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना।